देखिए, वहाँ पर बहुत सारी बात को रखी गई। विधायकों लोग ने, जितने भी विधायक लोग थे, अपनी अपनी बात रखा। और अभी जो वर्तमान झारखंड की स्थिति पर चर्चा हुई जाके, और इसमें एक कमेटी गठन हुआ है, जैसे एसटी का, ओबीसी का, और भी तरह का गठन हुआ, जिसका जो समस्या है उसको हल करने के लिए एक कमेटी गठन किया गया है। और जहाँ तक बात है सरकार के साथ में कोटेशन कैसे होगा, इस संबंध में भी बातचीत हुआ है। तो मोटा मोटी आप बाकी उन लोग से पूछ लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा जाकर। सर, बात आ रही है कि प्रदीप बलमुचू और सुखदेव भगत आ रहे हैं पार्टी में वापस, क्या धीरज जी स्वागत करेंगे? अगर आला कमान लेंगे तो जरूर स्वागत करेंगे। आला कमान अभी तक तो ऐसा हमको सूचना नहीं, खाली मिलने के लिए गए थे और अपनी बात को रखे हैं, और जब भी आएंगे तो देखा जाएगा। इसमें आना जाना सबका लगा रहता है, इसमें कोई बड़ी बहुत बड़ी बात नहीं है। आज गीता सिंह राव ने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, कह रही है कि सरकार झारखंडी मानसिकता के अनुरूप काम नहीं कर रही और संगठन ऐसा है कि उनको जो बोलना था अपना बोली, और वैसा इस तरह से बहुत जगह ऐसा होता है। और लेकिन उनको जाने आ रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गणतंत्र न्यूज की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।